आज हम ट्रांसमिशन टावर कंस्ट्रक्शन से के रिलेटेड बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ये पॉइंट लेंगे कि ट्रांसमिशन पार्ट्स कौन से हैं। तो ये हमारे सामने एक डायग्राम है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पीक ऑफ ट्रांसमिशन टावर। सेकेंड है क्रॉस आर्म ऑफ ट्रांसमिशन टावर। थर्ड है बूम ऑफ ट्रांसमिशन टावर। फोर्थ वन इज़ केज ऑफ ट्रांसमिशन टावर। फिफ्थ वन इज़ ट्रांसमिशन टावर बॉडी। सिक्स्थ वन इज़ लेग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सेवन इज़ स्टब बोल्ट एंड बेस प्लेट असेंबल। तो ये सात पॉइंट्स है जो ट्रांसमिशन टावर के अंदर उसके बेसिक पार्ट्स में आता है। तो सबसे पहले हम पीक ऑफ ट्रांसमिशन टावर के बारे में बात करेंगे। तो पीक ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो है वो ऊपर वाला पार्ट होता है ट्रांसमिशन टावर का, इसको कहेंगे पीक ऑफ ट्रांसमिशन टावर। उसके बाद में है क्रॉस आर्म ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो क्रॉस आर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है वो है क्रॉस आर्म्स जो कंडक्टर को सपोर्ट करेगा। तो उसका जो सबसे पहला फंक्शन होगा क्रॉस आर्म का, वो के होल्ड ट्रांसमिशन कंडक्टर, विच होल्ड ट्रांसमिशन कंडक्टर। उसके बाद में जो डायमेंशन होगा क्रॉस आर्म का, इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ क्रॉस आर्म, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, लेवल ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। उसके बाद में मिनिमम फॉर्मिंग एंगल फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ट्रांसमिशन टावर का जो क्रॉस आर्म होगा उसका कितना एंगल होगा वो भी उसके पॉइंट में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में है केज ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर के अंदर जो केज वाला पार्ट है वो ये है, इसको हम कहेंगे केज। इस पार्ट को हम कहेंगे केज, मीन्स डेफिनेशन क्या होगी, द पोर्शन बिटवीन टावर बॉडी एंड द पिक, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है उसको कहेंगे केज। मीन्स क्या लिखेंगे हम, द पोर्शन बिटवीन टावर बॉडी एंड पिक इज कॉल्ड केज ऑफ ट्रांसमिशन टावर। और ये होल्ड आर्म को होल्ड करेगा, मीन्स इट होल्ड क्रॉस आर्म, मीन क्रॉस आर्म को वो होल्ड करेगा, इसको कहते हैं केज ऑफ ट्रांसमिशन टावर। उसके बाद में है ट्रांसमिशन टावर बॉडी। ट्रांसमिशन टावर बॉडी किसको कहेंगे, ये पार्ट को हम कहेंगे ट्रांसमिशन टावर बॉडी, मीन्स द पोर्शन फ्रॉम बॉटम क्रॉस आर्म, यहाँ से लेके ग्राउंड तक जो पार्ट है उसको कहेंगे ट्रांसमिशन टावर बॉडी। तो ये होता है पार्ट्स ऑफ द ट्रांसमिशन टावर।